वहां धूल चाट रही है, हमारे लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब आदमी कहां जाता है, आयोग में जाता है, वहां शिकायत करता है, लेकिन आयोग का जब चेयरमैन नहीं होगा तो वहां जाकर किससे कहेगा? क्या आपकी हिम्मत है कि किसी मंत्री के सचिवालय में आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। लैपटॉप देने के बाद मुसलमानों को यह कह सके आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये नाइंसाफी हमारे समाज के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट हमको दलित आरक्षण लाभ नहीं देती है तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं देती है? क्यों नहीं बिहार जो आसाम और तमिलनाडु की तरह हमारी स्तर प्रदेश सरकार हमको आरक्षण देती है? कभी सोचा क्या हम लोगों ने? हाँ, हमको लगाने का काम कर लोग करते जिनके कहने 63 साल से हम लोग वोट देते चले आ रहे हैं। सोचना पड़ेगा हमारे समाज को कि हम उनके लिए क्या करें, सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे इस तरह हम बिगड़ते जाएंगे, बेरोजगार होते जाएंगे, नाइंसाफी हमारे साथ होती जाएगी। लैपटॉप की बात कर दी जाती है और हमारे बीच में हमारे बहुत सारे लोग जब कहिए मुजफ्फरनगर कांड होता है, प्रतापगढ़ का स्थान गांव का कांड होता है, उसी के बाद अब नई बात आती है तो कहते हैं कि फलानी जगह का नाम उनके नाम रख दिया गया, फलानी जगह का नाम उनके नाम रख दिया गया। हमारा समाज कुछ हो जाता है। मेरे भाइयों, परम में आने की जरूरत नहीं है, आंखें खोल लेना होंगी। अगर अब आप लोग आंखें नहीं खोलोगे तो आप समझोगे, लेकिन मैं आप लोग को आंखें खुलवा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। आप लोग को मैं जगा के रहूंगा, आपको देखे कितने पक्की नहीं सोते हो, मैं जगा के रहूंगा, आप लोग को बेदार करके रहूंगा। मैंने बेदार कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज नेपाल बॉर्डर से लेके दिल्ली बॉर्डर तक के चले जाइए मोमिन अंसार सभा, आपको हर कस्बे के अंदर मिलेगी। आज अब उस बॉर्डर से बाहर निकल जाइए, दिल्ली के अंदर चले जाइए, मोमिन अंसार सभा वहां चुनाव हो रहे हैं, उसमें अहम रोल अदा कर रही है मोमिन अंसार सभा। उसके बाद आप पंजाब निकल जाइए, उत्तराखंड निकल जाइए, बिहार निकल जाइए, राजस्थान चले जाइए, मोमिन अंसार सभा आपको मिलेगी। मोमिन अंसार समाज, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सारे मुसलमानों का